ये दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं केमिस्ट्री मॉडल सेट के बारे में, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे फुल मार्क्स 70 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव एवं 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और 30 मार्क्स का होगा वो प्रैक्टिकल आपको पूछा जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स हो गया। अब हम नीचे चलते हैं, तो नीचे आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इस वीडियो को रोककर आप ये सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं जो एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि यह वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुचालक है? तो पहला का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कॉपर। कॉपर क्या है? वो सुचालक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? तो दूसरा का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सिलिकन। सिलिकन जो होता है वो अर्धचालक होता है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है, निम्न में से कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन ए में नॉर्मलता, बी में मोलरता, सी में मोलरता एवं डी में सभी। तो तीन का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मोलरता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो चार नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर क्या है? तो ए में दिया गया है जल में CO2 का बिलियन, बी में CO2 का गैस में बिलियन, और सी में दिया गया है ठोस में जल का बिलियन, और डी में इनमें से सभी। तो चार का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जल में CO2 का बिलियन क्या है, सोडा वाटर है। अब पाँच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ए में दिया गया है POB, बी में दिया गया है PO2, सी में दिया गया है PB3O4 एवं डी में दिया गया है PbSO4। तो पाँच का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, PbSO4। अब सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो सिक्स नंबर क्वेश्चन में दिया गया है लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो ए में दिया गया है शुष्क वायु, बी में दिया गया है आर्द्र वायु, सी में दिया गया है आसूत जल एवं डी में दिया गया है ऑक्सीजन और CO2। तो सिक्स का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आर्द्र वायु। जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? आर्द्र वायु। अब सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? तो ऑप्शन ए में क्लोरीन, ऑप्शन बी में फ्लोरीन, सी में आयोडीन या डी में ब्रोमीन। तो सेवन का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ओ बी, फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है, धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है? तो ए में दिया है धातु, बी में अधातु, सी में साधारण नमक या डी में जल। तो एट का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब हम नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है सिनेबार है, यानी सिनेबार का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन ए में PbS, बी में HgS, ऑप्शन सी में Hg2Cl2 एवं ऑप्शन डी में HgCl2। तो नाइन का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ओ बी, HgS। सिनेबार क्या है? तो HgS, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अब दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है,
ऑक्सीजन के वाहितम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फाइंड करेंगे तो 1s2, 2s2 एवं 2p4। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए 2s2 एवं 2p4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है मैग्नीशियम धातु के वाहितम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या है। मैग्नीशियम धातु के वाहितम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या है? तो 11 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, पी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए डम्बल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है, यानी कि कास्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो 13 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो NaOH, यानी NaOH को क्या कहा जाता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है पोटास एलम एक है, यानी पोटास एलम क्या है, युग्म लवण, साधारण यौगिक, जटिल लवण या इनमें से सभी? तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी युग्म लवण हो जाएगा राइट आंसर। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है हीरा में पर कार्बन परमाणु का प्रसंकरण होता है, हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण होता है, sp3, sp2, sp या d2sp3। तो 15 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो ए हो जाएगा, sp3, यानी 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, यहाँ पे एक यौगिक दिया गया है, इसका नाम क्या होगा? तो ये पहला ये क्या दिया हुआ है, एस बेंजीन दिया हुआ है, और उसमें क्या OH जुड़ा हुआ है, यानी क्या एल्कोहल का जो है एल्कोहल का जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए, यानी ये जो हो फिनोल होगा, फिनोल। 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है। तो बेंजीन जो है उसका आकार ऐसे होता है, अब इसमें पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर देख रहे होंगे 1, 2 और 3। तो बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है 3, यानी 17 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा 17 का राइट आंसर। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है, उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपरूप हो जाएगा, यानी एलोट्रॉप्स। उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में अल्मोनियम, बी में सोडियम, सी में Fe यानी लोहा, डी में कार्बन। तो 19 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम, यानी 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा हेलोजन, यानी 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है इथीन बहुलीकृत होकर क्या बनता है, इथीन बहुलीकृत होकर बनता है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपीन, बेंजीन या इनमें से सभी। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, पॉलीथीन। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है सोडियम बेंजोनेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, सोडियम बेंजोनेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? तो 22 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी बेंजीन बनता है, डी आंसर हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है जब फिनोल को
जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो बनता है। जब फिनोल को हम जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो 23 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो बेंजीन हो जाएगा, यानी 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है निम्नांकित में से कौन एक अक्रिय गैस है, यानी निम्नलिखित में से कौन एक इनर्ट गैस है, सोडियम, नियोन, यूरेनियम या जिंक। तो 24 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी नियोन जो है क्या अक्रिय गैस, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। तो ऑप्शन ए में नायलॉन 66, बी में पीवीसी, सी में बेकेलाइट या डी में सेल्यूलोज। तो 25 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है, यानी एल्डिहाइड को ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कार्बोजिलिक अम्ल, अल्कोहल, कीटोन या एल्डोल। तो 26 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो कार्बोजिलिक अम्ल, 26 का राइट आंसर यानी ए हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है Fe(H2O) का होल 5NO इंटू SO4 में F की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, यानी F का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो 27 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा OC, यानी +3। 27 का राइट आंसर C हो जाएगा, +3। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक चिलेटिंग लिजेंट है, निम्नलिखित में से कौन एक चिलेटिंग लिजेंट है। ऑप्शन ए में 1,2 इथिलीन डायमीन, बी में अमोनिया, सी में इथाइलेमीन या डी में फिनोल। तो 28 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो 1,2 इथिलीन डायमीन, यानी 28 का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अब हम 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है CO(C2O4) का होल थ्राइस का 3- में CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, यानी इसमें CO की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी। तो 29 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा +3, यानी 29 का राइट आंसर हो जाएगा C, +3। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पहली संक्रमण श्रृंखला की तत्व नहीं है। तो ऑप्शन ए में Fe, बी में क्रोमियम, सी में Ag या डी में निकेल। तो 30 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी Ag। Ag क्या है? पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है, यानी 30 का राइट आंसर Ag हो जाएगा। अब हम 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है NiCO4 में Ni संख्या की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0, 2, 3 या 4। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, यानी 0। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है XeF4 का आकार होता है, XeF4 का आकार होता है रैखिक, वर्गतलीय, पिरामिडल या चतुष्फलकीय। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो बी, यानी वर्गतलीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करती है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करती है। ए में दिया गया H2S, बी में SO2 या सी में SO3 या डी में NO। तो 33 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा CU, यानी SO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सल्फाइड, बी में सल्फाइड, सी में ऑक्साइड या डी में कार्बोनेट। तो 34 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी सल्फाइड।
34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सल्फाइड। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है, लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है, Fe3O4 या FeCO3 या F2O3 या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो ए हो जाएगा, FeO4 इसका राइट आंसर, यानी 35 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है HCOO का IUPAC नाम क्या है, HCOOH का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया फार्मिक अम्ल, बी में मिथेनोइक अम्ल, सी में एसिटिक अम्ल या डी में इथेनोइक अम्ल। तो 36 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी फॉर्मिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कीटोन का अवकरण LiAH4/H2O के साथ कराने पर हमें क्या मिलता है, कीटोन का अवकरण LiAH4/H2O के साथ कराने पर हमें क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल या डी में अल्केन। तो 37 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो बी, यानी सेकेंडरी अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, कॉपर का मुख्य अयस्क है, ऑप्शन ए में कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लांस, सी में गैलेना या डी में सीडेराइट। तो 38 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो कॉपर पाइराइट, यानी 38 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है, ए में दिया गया आयनिक बॉन्ड, बी में सहसंयोजक बॉन्ड, डी सी में हाइड्रोजन बॉन्ड या डी में उपयुक्त में से सभी। तो 39 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी 39 का राइट आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है H3COCH3 का IUPAC नाम क्या है, H3COCH3 का IUPAC नाम क्या है, ऑप्शन ए में प्रोपेनॉन, बी में प्रोपेनॉल, सी में प्रोपेन या डी में प्रोपेनॉल। तो इसका 40 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, प्रोपेनोन, 40 का राइट आंसर ए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ए में मोनोसेकेराइड, बी में डाइसेकेराइड, सी में ओलिगोसेकेराइड या डी में पॉलीसेकेराइड। तो 41 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो ए मोनोसेकेराइड, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम 42 नंबर एवं लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें पूछा गया है CH3COH1 है, CH3COH1 क्या है, मोनोबेसिक अम्ल, डायबेसिक अम्ल या ट्राइबेसिक अम्ल या उपयुक्त में से सभी। तो 42 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, मोनोबेसिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा।